बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशीक न्यूज़ के साथ मैं हूं फिजा कवल। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज का बलोचिस्तान एक पुरअमन बलोचिस्तान है। इन्वेस्टर्स अब बलोचिस्तान का रुख कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान मीरजाम कमाल खान का DHA क्वेटा के एक्सप्रेस वे के ग्राउंड ब्रेकिंग की तकरीब के शुरुआत से खिताब। हमारा मेन टारगेट है काम हो, मयारी हो और काम वक्त पर हो, वजीर आला बलोचिस्तान मीरजाम कमाल खान। टेस्ट पास करने वाले नौजवानों को नजरअंदाज करके मेरिट का गला घोंट दिया गया, पैदल लॉन्ग मार्च के शुरुआत का इजहार ख्याल। नए तालीमी प्रोग्राम का इजरा खुशाइन करार, गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासिन जई। नसीराबाद में तामीरात का शोबा अपनी राह पर गामजन है, सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात मीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है, सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर मसूद। इस्लामाबाद में 155 डिस्ट्रिक्ट डिजीज सर्विलेंस यूनिट्स महकमा सेहत के हवाले कर दिए गए। गवादर पोर्ट ऑपरेशनल होने से सनअतकारों और अहम कारोबारी कंपनीज के नुमाइंदों ने गवादर का रुख करना शुरू कर दिया है। PTI हुकूमत का बलोचिस्तान को तकसीम करने का कोई मंसूबा नहीं, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी। हेडलाइंस आपने जाने, अब चलते खबरों की तफसील की जानिब। आज का बलोचिस्तान एक पुरअमन बलोचिस्तान है। इन्वेस्टर्स अब बलोचिस्तान का रुख कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान मीरजाम कमाल खान का DHA क्वेटा के एक्सप्रेस वे की ग्राउंड ब्रेकिंग की तकरीब के शुरुआत से खिताब। तकरीब में कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर और आला सिविल व अस्करी हुकाम के अलावा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी क्वेटा के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर शहजादा शाहिद नवाज शरीक थे। DHA क्वेटा रिकॉर्ड मुदत में तरक्याती कामों की नई मनाजिल तय कर चुका है। वजीर आला बलोचिस्तान मीरजाम कमाल खान ने कहा है कि बलोचिस्तान में मौजूदा हुकूमत सूबे के हर ज़िले के अंदर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम ले जा रही है। अम्ब्रेला स्कीम के तहत बलोचिस्तान में डैम्स बना रहे हैं। बलोचिस्तान के तमाम अजला में सेहत, स्पोर्ट्स, तालीम, रोड नेटवर्क, ज़राअत और दीगर तरक्याती काम बलोचिस्तान के हर ज़िले में जारी हैं। हमारा मेन टारगेट है काम हो यारी हो और काम वक्त पर हो। खुजदार टूर क्वेटा तवील पैदल लॉन्ग मार्च करने वाले लेवीज पोस्टों के मुतासरीन का काफिला मस्तूम जा पहुंचा, जहां पर सियासी पार्टियों, तलबा तंजीमों, सिविल सोसाइटी की जानब से लॉन्ग मार्च की शुरुआत का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। लॉन्ग मार्च वालों का कहना था कि खुजदार में तहरीरी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट पास करने वाले नौजवानों को यकसा नज़रअंदाज करके मेरिट का गला घोट कर मेरिट को पांव तले रौंद दिया गया। गवर्नर बलोचिस्तान अमानुल्लाह यासिन जई ने कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं जिसका हल मौजूद ना हो, लिहाजा हल तलब पेचीदा मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा फैसला करना हमारा तुर्रा इम्तियाज होना चाहिए। गवर्नर यासिन जई ने बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के नए तालीमी प्रोग्राम्स के इजरा को खुशाइन करार देते हुए कहा कि हमें हर किस्म के ज़ाती मफादात से बालातर होकर अपने कौमी अदारे के मफादात को अजीज रखना चाहिए। सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात आरिफ जान मोहम्मद हसनी ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत अवाम के मफादात और उनकी मुश्किलात के अजाले के लिए इसकी मदद दे रही है। महकमा मवासलात और तामीरात अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर तामीराती काम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मियारी काम पर कोई भी समझौता कबूल नहीं किया जा रहा है। नसीराबाद में सही मायनों में तामीरात का शोबा अपनी राह पर गामजन है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमर मसूद ने कहा है कि मौजूदा दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। कंप्यूटर, इंटरनेट और दीगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलाते हुए अपनी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए लोगों को तेज तरीन मालूमात फराहम करने और उनके मसाइल के हल के सिलसिले में मददगार साबित होगा। ये बात उन्होंने डिप्टी कमिश्नर क्वेटा ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट के इजरा के हवाले से ब्रीफिंग के मौके पर किया। USA के ताउन से बलोचिस्तान समेत चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 155 डिस्ट्रिक्ट डिजीज सर्विलेंस यूनिट्स महकमा सेहत के हवाले कर दिए गए। इस सिलसिले में हवाल की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर आज़म के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़रा सेहत और आला हुकाम ने शिरकत की। बलोचिस्तान की नुमाइंदगी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर रुबाबा खान मुलेदी ने की। गवादर पोर्ट ऑपरेशनल होने से सनअतकारों और अहम कारोबारी कंपनीज के नुमाइंदों ने गवादर का रुख करना शुरू कर दिया है।
एलएनजी टर्मिनल गैस कंपनी का दूसरे गैस कंपनियों के साथ इश्तराक के माहदे के जमन में चाइना बिजनेस सेंटर गवादा पोर्ट पर तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में एलएनजी टर्मिनल गैस कंपनी के चेयरमैन इकबाल जैद अहमद और कासिम गैस टर्मिनल के चेयरमैन सैफुल्ला समेत मुल्क के दीगर गैस कंपनियों के चेयरमैन और सीईओज ने बाहमी इश्तराक से बलूचिस्तान और सिंध के शहरी और देही इलाकों के सार्फीन तक गैस पहुँचाने के माहदे पर दस्तखत किए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashreq.com.pk।